मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक ने नगर व शहर में पुलिस बल के साथ भ्रमण किया। इसके बाद थानों में जाकर पीस कमेटी के साथ मीटिंग कर उन्हें समझाते हुए और शांति बनाए रखने की अपील भी की। वर्षों से चल रहे अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद भी आने वाले 6 दिसंबर को लेकर मुरादाबाद पुलिस अलर्ट हो गई है। मुरादाबाद पुलिस के अधिकारी थाना स्तर पर आम लोगों के साथ बैठक कर उन्हें समझा रहे हैं, साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स के साथ भ्रमण कर रहे हैं जो अगले 3 दिन तक जारी रहेगा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद से ही मुस्लिम समुदाय के लोग 6 दिसंबर को काला दिवस मनाते थे, तो वहीं हिंदू संगठन के लोग 6 दिसंबर में शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन वर्षों चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में निर्णय आने के बाद कौन इस दिन को किस रूप में मनाता है, इसको लेकर मुरादाबाद पुलिस लगातार थाने पर जाकर समाज के लोगों के बीच बैठकर बात कर रही है कि उन्हें आने वाले 6 दिसंबर में किसी भी तरह का कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी दूसरे पक्ष को आपत्ति हो। खुद मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद लगातार संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त करने के साथ ही थाना स्तर पर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। ये मुरादाबाद पुलिस की तरफ से मुरादाबाद को सुरक्षित रखने के लिए पूर्ण रूप से तैयारियां की जा रही है। इसमें जगह जगह हर थाना क्षेत्र में पीस कमेटी की मीटिंग करी जा रही है, अगले 3 दिवस तक ये लगातार चलती रहेगी ताकि लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो और मौके पे अच्छा कार्य हो। साथ ही जोनल सेक्टर स्कीम जो पिछले अयोध्या वर्डिक के समय लागू थी वही रहेगी, भ्रमणशील रहेगी पूरे समय पुलिस, और कोई भी सिचुएशन होने पे तुरंत उसको तत्काल निवारण किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया का भी मॉनिटरिंग चलता रहेगा। सोशल मीडिया की एक डेडिकेटेड टीम है जो कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट आने पर तुरंत कार्रवाई करती है। साथ ही एक्स्ट्रा बल भी पर्याप्त प्राप्त कर लिया गया है। एक कंपनी PAC पूरे टाइम मुरादाबाद शहर में भ्रमणशील रहेगी और तत्काल सिचुएशंस को अटेंड करने के लिए प्रेजेंट रहेगी। और हमारे UP 112 की भी जितने भी वाहन हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, उनके रूट का भी चेंज किया गया है ताकि संवेदनशील स्थानों पर हमारी ज़्यादा प्रेजेंस रहे और तत्काल इवेंट्स को अटेंड किया जाए। इसके अलावा मुख्य बाजार और स्थानों को भी रेगुलरली CCTV के द्वारा मॉनिटर किया जाएगा। कोई भी स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत पुलिस पहुँचकर मौके पे अटेंड करेगी। और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं 6 दिसंबर से रिलेटेड शौर्य दिवस या अथवा जो काला दिवस उसको मनाते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कर ली गई है। शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी और पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी जनता को। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।